क्योंकि थोड़ा सा लेवल भी गिरा दिया है ना, अब डायरेक्ट पीएम ही अपना लेवल गिरा दिए हैं तो एमपी लोग तो है ही, तो इसलिए बदलाव जरूरी है, सब लोग सबसे पहले वोट डालें। देखिए डेवलपमेंट तो सबसे पहले है, ठीक ना, डेवलपमेंट होना चाहिए। थोड़ा तानाशाही हो रही है गवर्नमेंट अभी, अच्छा, इसको लेकर के हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। उन्होंने दावा किया तो जरूर देंगे, और उन्होंने दिया भी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बाकी तो बनेंगे तो करेंगे। मुद्दा तो यही कि रोजगार। हाँ टॉपर, मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। सातवें चरण का अंतिम चुनाव हो रहा है, और देखिए अभी बहुत सारे लोग वोटिंग करके निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। अभी आप वोट कर चुके हैं? यस। अच्छा, किन मुद्दों पे आप वोट किए? मोदी जी का कमल छाप। कमल छाप, मुद्दा आपका क्या है वोट करने का? जी वही जीतेंगे और क्या, वही। आपने वोट कर, आप लोग वोट कर चुके हैं? जी जी कर लिया। अच्छा वोट कर चुके हैं, तो किन मुद्दों पे आप वोट किए? देखिए डेवलपमेंट तो सबसे पहले है, हाँ। ठीक ना, डेवलपमेंट होना चाहिए। थोड़ा तानाशाही हो रही है गवर्नमेंट अभी, अच्छा, इसको लेकर के हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय के हित में, मतलब किस तरीके का तानाशाही? जैसे हम लोग देखे कि किसान के लेकर के काफी, अच्छा, समय तक ले जस्ट संघर्ष करते रहे, कितने किसान मर गए लेकिन सरकार की सूद नहीं ली। उसी तरीके से खेल के लिए हमारी बहनें काफी दिन तक स्ट्राइक करते रह गई, और किसी को बचाने के लिए सरकार लगी रही। ये सब चीज लोगों की रणनीति, हाँ विदेश नीति इनकी अच्छी है, हाँ। कुछ मामले अच्छे हैं, लेकिन बहुत मामले ग्रास रूट पर जो अच्छे नहीं है, जो हमें सूट नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट को थोड़ा सा मतलब चेंज करना जरूरी है। जो गवर्नमेंट चेंज होगी तभी जा करके इनका तानाशाही जो है दूर होगा। लगातार एक गवर्नमेंट बराबर काम करते रहती है ना, तो तानाशाही हो जाती है। ज्यादा ज्यादा सीट जीत जाने के बाद किसी को कुछ बूझती ही नहीं है। अच्छा अच्छा, जो 400 का पार का नारा है कि इस बार 400 पार, तो क्या लग रहा है बिहार में? नहीं संभव, बिहार की स्थिति 50-50 का है। 50-50 का जी। आप एक वुमेन है, महिला बहुत बड़ा योगदान देती है लोकतंत्र को बनाने में, क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दा पे आप वोट किए? लोकतंत्र ये बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए किए हैं, और ये डेवलपमेंट होते रहे। और आपने वोट कर लिया? जी फर्स्ट वोटर था। अच्छा फर्स्ट वोटर, तो आप जो वोट करने आए तो किन मुद्दों पे किए, क्योंकि आपका पहला वोटिंग? जी मेरा फर्स्ट वोटिंग था, मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, फिर भी मैंने वोट डाला। एक्साइटमेंट तो था ही, मतलब गवर्नमेंट से मेरा एक्सपेक्टेशन बेसिकली यही है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट सिस्टम हो गया, जेंडर कास्ट इनइक्वालिटीज हो गया, ये सब पे थोड़ा फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट से ये उम्मीद है। यहाँ पे एक सरकार कह रही है कि जी उन्होंने दावा किया तो जरूर देंगे, और उन्होंने दिया भी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बाकी तो बनेंगे तो करेंगे ही। अब तो वोट हो गया, हो गया। हम लोग विकास के मुद्दे पर किए हैं, वोट किए जी हाँ। अच्छा किन मुद्दों पे आपने वोट किया? हम लोग मैंने मैंने क्या बोलते हैं उसको, मुद्दा क्या है, मतलब किन मुद्दों पे आपने वोट किया? शांति वातावरण रहे, हाँ हाँ, मैंने ज्यादातर सरकार में अच्छा से काम हो, और क्या। आप लोगों ने वोट किया? फर्स्ट टाइम वोट है क्या? हाँ फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा आपका फर्स्ट टाइम है तो बहुत एक अलग सा है, तो क्या मतलब किन मुद्दों पे आपने सोच के वोट किया? ऐसे ही डेवलपमेंट को लेकर, शांति को लेकर, शांति को लेकर, और रोजगार मायने, हाँ एम्प्लॉयमेंट भी है। एम्प्लॉयमेंट भी है। आपने फर्स्ट टाइम आपका भी है। अच्छा तो आप मतलब किन मुद्दों पे वोट किया? वही डेवलपमेंट, शांति। अच्छा आपने वोट किया? जी। अच्छा किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मुद्दा तो यही कि रोजगार। रोजगार जी। अच्छा तो उसमें मतलब कि अभी जो लेकर हो रहा है पूरा 7 चरण तक चला कि रोजगार बेरोजगारी ये सब लेकर, इसमें क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो वही है कि बीजेपी तो जो है तो रोजगार के प्रति तो कुछ है नहीं, बस जो आ रहा है वो चल रहा है, लेकिन जो रोजगार दे, हम तो चाह रहे जो आरजेडी का है जिन्होंने वादा किया था कि हाँ रोजगार मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ कि वही सरकार आए और रोजगार दे, आरजेडी का वही सरकार आए है, तो इसका मतलब यही है कि बदलते रहिए ताकि किसी के भी मन में एकदम जड़ता ना आ जाए कि हम ही हम है, तो बदलिए, सब लोग बदले, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल भी गिरा दिया है ना, अब डायरेक्ट पीएम ही अपना लेवल गिरा लिए हैं तो एमपी लोग तो है ही, तो इसलिए बदलाव जरूरी है, और सब लोग सबसे पहले वोट डालें, और वोट डालें तो अवेयरनेस के साथ डालें, हाँ। सोच समझ कर डालें
कि कैसे वोट जा रहा है, हमारा एक ही वोट और 5 साल में एक बार देना है। तो बहुत ही अच्छे से और सोच समझ कर पर्व मनाया जाता है। हाँ, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यही सबसे बड़ा पर्व है, इसके बाद ही कोई पर्व है। तो सबसे पहले अपना वोट डाले। इस बार के जो मुद्दा रहा, हमेशा बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, गरीबी, इन सब से हट के महिलाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, महिलाओं का ही मुद्दा है। अच्छा, क्योंकि हमारे ही कंट्री में, हमारा मणिपुर भी तो हमारे कंट्री का पार्ट है ना, और वहाँ क्या हुआ ये किसी से भी नहीं छिपा हुआ है। दिल्ली में जो प्राउड फील कराती हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे एथलीट्स लोग हैं, उन लोगों के साथ क्या हुआ। अगर मैं एक महिला हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अगर कितना भी अच्छा काम हुआ था इंडिया में तो वो सारा पे पानी फिर गया सिर्फ मणिपुर के कारण। दिल्ली संदेश खाली में भी हुआ, संदेश खाली में भी हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे मणिपुर का बेइज्जती हुआ हर जगह, जो आप भी एक फीमेल है और मैं भी हूँ, तो उस चीज से सब पे पानी फिर गया है। मैं सब मुद्दा साइड करके एक फीमेल के मुद्दे पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि महिलाओं के लिए कोई इस पर मुद्दा नहीं कि महिलाओं के लिए ये चीज होना चाहिए, एक ऐसा कोई, हमेशा लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है लेकिन महिलाओं के लिए विशेषकर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहता? महिलाओं के लिए मुद्दा कोई लाती ही नहीं है, लेकिन अब लाया है, जैसे कि हम लोग स्कूल के तौर पे या कॉलेज के तौर पे प्रोस्पेक्टस देखते हैं और उस तरह से इन लोगों का वो क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो देखते हैं। तो इनके मैनिफेस्टो में अब हम महिला है तो हमको डिसाइड कर लेना है कि किनके साइड महिलाओं के लिए, अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, फ्यूचर में कहाँ दिख रहा है सपोर्ट, वहां जाए। बिल्कुल, तो एनालिसिस करके दे एटलीस्ट। ये तो पटना है, हम लोग तो शहरी क्षेत्र में है, तो और भी अच्छे से अवेयर हो के लड़कियों को खासकर देखकर वोट देना चाहिए। चीज की महिलाओं के लिए विशेष अभी कोई भी मुद्दा नहीं दिख रहा इस लोकसभा के महापर्व में। हाँ। कहीं भी देखिए बेरोजगारी है ये, लेकिन हाँ। महिला के लिए कोई भी मुझे ऐसा अभी तक मुद्दा दिखेगा? महिलाओं पे तो हमारे पीएम बिल्कुल नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। अब उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें फॉलोअर हमारे इतने ज्यादा हैं, हमको फॉलो करते हैं इतना, तो हम महिलाओं पे बिल्कुल रूम में पैक हो जाते हैं, जब वहाँ महिलाओं के ही साथ तो दुर्व्यवहार हुआ था। एक बार भी बोले हैं? बिल्कुल नहीं बोले, और ये गुस्सा है सबके दिल में है, किसी में रहे या ना रहे, मेरे में तो बिल्कुल है, मेरे में तो बिल्कुल है। सब सारी चीज, एक कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास तभी ही होगा जब हमारा विकास होगा। महिला से हमको दबा के, अगर हमको नंगा घुमा के अगर आप कह रहे हैं कि हम तरक्की कर दिए हैं, तो वो मेरे नजर में तो नहीं है और ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इन्हीं सब सोच के साथ वोट डालने आए हैं, वोट दे दिए हैं। तो देखिए ये युवाओं का है सोच, अब देखिए 4 जून को पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या आता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।